बेटा अग्गे दी आना है, बोल देता हां मैं तुम कू ना तो बेटा मरी मरी जान का कुछ भी कर लो, कुछ भी मार लूंगा मैं तुम पे 302 बना दूंगा बेटा कोदट में, फिर 302 के केस में वड़े पाव खाते बैठेंगे फिर ठीक। हाँ बोल देता मैं तुमको, हाँ नहीं तो क्या, मैंने कुछ नहीं करा उनको, वो सादे पागल की जात के थे, उनको बोला देखो दे तुम्हारी दवा ये है, तो बोले नहीं मैं यही खाऊंगा, मैं बोला देख दे ये नहीं है, बोले नहीं मैं यही खाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मैंने भी दे दिया इस फीस कर दे वहां पे एक तो हाँ, अरे दूसरे डॉक्टरों को देखो तुम जाके, जरा सा नाक के पास लगाए यहाँ लगाए सांस ले 200 ले लेते, वो मैं जितनी फीस लेता ना उतने में बेटा भजिए भी नहीं आते मालूम है क्या, इतनी फीस लेता मैं उसमें भी तुम मेरे को दौड़ा दे, वाह दे वाह इंसानियत है क्या कोई, तो मैं जा रहा है बोल देता और किने मेरे को हाथ लगाया ना तो फिर देख लेना, हाँ नहीं तो क्या होगा फिर, हट आगे क्या बढ़ता बेटा, आगे बढ़ना मत तुमको समझा देता। और फिर ये हुआ कि नकली डॉक्टर जैनिया दादा को उसी के एक मरीज ने ब्लैकमेल किया, उसे पुलिस की धमकी दी, तब जैनिया डर गया और उसने उस मरीज को पैसों का लालच दिया और अपने साथ शामिल कर लिया। कहाँ चले गए तोरे? क्या छपा रहा है ले? अरे मेरे बाप क्या माला है ले? एकदम नीले नीले आके उसके एकदम ऐसी चलती ना मेरे गुर्दे में ना था खट खट आवाज। अबे तो वो खूबसूरत है तो तेको क्यों मिर्गी आ रही, इतनी बुरी बुरी सिर झोड़ रहा हाथ पांव झोड़ रहा। जैनिया मेरे तरफ देख के हंस रही थी बगी, मैं क्या करूं अल्लाह मैंने मुझे इतना खूबसूरत बनाया बाकी मैं क्या करूं। अरे मेरे बाप मैं क्या बताऊं, इधर ही आ रही वो नीले आके तो नीले आके। अरे मेरे बाप, अरे बाप किने फतवा फेंका क्या था ऊपर से यारी साल बुला के ला उसको जाके, उन्हें तो आ जाओ ना, आ जाओ ना मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख देना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम में निकल जाए। इसको देख के तड़फड़ रहा था मुर्गी के जैसा, क्या रे और क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। ए बाबा डॉक्टर इसको हटा तो मेरे को खट्टी टकरा रहा है इसका मुंह देख के। ये दवा खाने में छिछोता पना करता क्या रे, साइड में खड़े हो, क्या नाम बताया तुमने? माधुरी दीक्षित। अरे तुम तो अधूरे भिस्कुट है, काय को बिचारी को बदनाम कर दे तुम हाँ? अगर उसने तुमको देख ली ना, अरे मेरे बाप रे बाप, ऐसा लेंगी जहेद की बुकनियां फक से फाकेंगी और वहीं पे टंगड़े रगड़ रगड़ के मर जाएंगी मालूम है क्या। माधुरी दीक्षित बोले वाह दे वाह तुमको बीमारी क्या है उत्ते बात करो तुम, अरे मत करो मेरे सामने, तुमको समझा देगा इमलिया खा के आएगा तुम। ए डॉक्टर ज्यादा बात मत कर मेरे साथ, इंसान जब बीमार रहता ना जब ही दवा खाने में आता, मेरी बीमारी क्या है वो छोड़ दिया दूसरे बात कर रहा पटार पटार। तो ज्यादा भजियत कम करो है तुमको समझा देता मैं, हाँ नहीं तो क्या, एक तो दवा खाने में आए हो ढला दे इधर उधर कर दे आए मेरे कंप्यूटर को भी भयका दे तुम, अगर अब तुमने अगर जरा सभी होठ इधर उधर करे ना तो तुम्हारे दोनों होठ में है ना कड़ी कोने फंसा दूंगा मैं। अरे जान दो गुस्सा छोड़ो, तुमको क्या हुआ मुझे बताओ। देख रहे डॉक्टर इसका चिचोरा पना, अरे कैप्सूल को दूर सरका मैं तो कच्चा ही निकल जाऊंगी बिगर पानी के। देखा 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 एड़े ज्यादा लाइन से खड़े रहे, अगर बेटा तेको इन्हें गट कर के निकला ना तो कई भी उसके पेट में कोने कापड़े में बैठ के बेटा जिंदगी भर दोएगा तू मालूम है क्या। ओह
तुम्हारा एकदम ज्यादा छिछोरा बना काम करो, दवा खाने में आए है तुम्हें, रब जगह में नहीं आए ऐसे बात करते तुम, तुमको बीमारी क्या है तुमको बताओ बस। मेरे को ना रोज सपने आते और मेरे सपने में ना सलमान खान भी आता और कैसे कहता मालूम है क्या, चल शिकार पे जाएंगे। और एक बार तो शाहरुख खान भी मेरे सपने में आया था, शाहरुख खान, और आया और मेरे को बोलने लगा कैसी है किरण। मैं तो उसको देख के डर गई बाबा। और हाँ डॉक्टर साहब, बॉलीवुड है ना, पूरे बॉलीवुड एक्टर मेरे सपने में, और बॉलीवुड तो बॉलीवुड, मॉलीवुड है ना मॉलीवुड, उसका एक आसिफ अली बेला नहीं है क्या, वो भी मेरे सपने में आता। अगर तुम्हारे सीध पे ऐसा खाली मार दिया ना तो इतने कड़ जाएंगे जमीन में तुम, एड़े एड़े बात करते वहां पे दवा खाने में आके। हाँ ये तो क्या, शाहरुख खान आया था, सलमान खान आया था, ये आया था, वो आया था, वाह दे वाह, अब कल तो तुम्हारे सपने में ये भी आएगा, फिर मेरा कंप्यूटर भी आएगा। ये देखो कैसा खुश होता वो, हाँ ज्यादा खुश मत होना, हंस मत ना ज्यादा, थक जाएगा ना। ये क्या आएगा मेरे सपने में, जिस दिन मेरे सपने में आएगा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ ये तो छोड़, पर तू जरूर आएगा डॉक्टर मेरे सपने में। ये मसाले के पान में काले सूखे, हाँ मेरे को डॉक्टर से छिछोरा बनने पे मजबूर मत करवाए, बोल देता तुमको। हाँ और ये आड़े तिरछे सपने देखना ज्यादा बंद करो, क्या खा के सोते तुम रात को, वड़े पाव खा के सोते क्या? हाँ तुमको कैसे मालूम कि वड़े पाव मेरे पसंद की चीज है, चलो ना वड़े पाव खाएं। नहीं रे डॉक्टर, मेरा मामला बहुत सीरियस है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ बच्चों का, तुम्हारी शादी हो गई तो एक बात बताओ, तुम्हारी बारात आई थी क्या गई थी? ए डॉक्टर तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा रे, ये मेरा शादी के बाद का केस है। तुमको ख्वाब आते ना, हाँ शाहरुख खान सलमान खान आते ना तुम्हारे ख्वाब में, इसका एक ही इलाज है मालूम है क्या, मैं तुमको है ना इसका फोटो दे देता, रात को सोते टाइम है ना इसका फोटो देख लेना, हाँ उसके बाद तुमको ख्वाब नहीं आएंगे, बस इसका एक ही इलाज बचे ले बस मेरे पास। और मेहरबानी करके तुम जाओ अब यहाँ से, आए क्योंकि तुमसे पूरी दुनिया हद गई, तो मैं क्या लग रहा भाई, जाओ। काय का डॉक्टर है रे तू, गंज नाम सुनी थी मैंने तेरा, जैना डॉक्टर, जैना डॉक्टर, फालतू डॉक्टर है तू, जा रही मैं। अरे सुनो जी, हट रे कैप्सूल जी, बैठो जी। अरे क्या जैना, उसको भगा दिया, अच्छा वाला मूड बनेल था ना, तो रख लेता तो कम भगा लेती थी वो, सारा मूड खराब हो गया है। क्या तारीफ करता था, बोले ऐसे आख्यान ऐसा कलर, इतना बुद्धिगत का था वो, क्या सलाह पूछने की बात नहीं, अगर वो कुएं में झांक लेना तो बेटा सर से कुएं का पानी सूख जाता। मुकदम मेरे समझ में आया, नर्स रखना पड़ेंगी एक, यहाँ पे लेडीज लाना पड़ेंगी सलाह, जब काम बनेगा ये न तो ऐसी मरीज आएंगे और तू अलग खुश होया करेगा, क्या करना सलाह, नर्स लाता एक हाथ। नर्स का नाम ही मत ले तू, उसको लगा लेना, नहीं तो समझ ले काम भी नहीं होगा। मैं यहाँ से काम तेरा कब छूटेगा मालूम है क्या, जब तू दुनिया छोड़ेगा, समझ आता ना। अरे एड़े टीवी पे नहीं देखता क्या था तू, हाँ एक ऐसी खूबसूरत औरत आती सिर्फ इतना ही कहती हूँ, मैंने ली तुम भी लो, हाय कैसे पैसे कमाती बेटा, वो देखा नहीं क्या तूने? हाँ अरे तू देख, तू बेटा अगर रोड के किनारे खड़े रह के दिन भर भी हाय हाय करेगा ना तो कोई एक रुपया तो छोड़, कोई देखो फिटकात भी नहीं देगा, समझ आता क्या, चल काम कर अपना अपना। एक काम कर, अखबार में जा और एडवर्टाइज दे कि डॉक्टर जैना दादा के वहां पे एक खूबसूरत नर्स की सख्त जरूरत है, जा। ओ डॉक्टर साहब खून लग रहा है क्या? हाँ खून खून लग रहा है क्या, खून तू देता खून, तू देगा खून? ओ मुझे नहीं इतनी भीख लगी, मेरा दोस्त देता। जब तू ऐसा है तो तेरा दोस्त कैसी क्या होगा, हाँ जला बुला के ला तो उसको कौन है तेरा दोस्त, खून देता वो। कान से आवाज आ जाएगी, वैसा मत करो दादा तुम। अरे बाप,
तोबा तोबा तोबा, ला माफ कर मेरे मालिक, ये तो जोखम है बे। चलो ड्रम का भगोने का लाओ तो फटाफट। देगा मेरा दोस्त डॉक्टर। ता क्या घमंड से बोल रहा है? तेरा दोस्त खून देने आया वो, मालूम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पलटाने आया वो, खून देने आया। अबे इसको है ना वाटर पंप लगाना पड़ेगा, उसमें भी दो तीन बूंद टपके तो टपके, नहीं तो मालूम है क्या, खाली वाटर पंप घूम 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 करके सारी मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। मालूम है क्या, बोले खून देने आया ये। जरा जबान संभाल के डॉक्टर, ने तो खून की नदियां बहा दूंगा। खून के नदियां भया रहा? अरे हालत के हिसाब से बोलिया कर, मालूम है क्या, तू बोल खून की नाली भया नाली। देखो खून होना के नहीं होना, इतना बोल खाली। इतना कैसा खून देने के वास्ते वलवल कर रहा है तू? हैं, खून देगा ना तू, खून देगा ना? चल देखूं, ये ढक्कन भर के मेरे को खून दे दे बेटा, मान लूंगा मैं तेरे को क्या तू खून देता। ढक्कन रहा ढक्कन के, देखो पहलवान को, देखा क्या वो पहलवान को? अब तू बोलेगा कि ये दोनों को खून तूने दिया है ना? मैंने नहीं दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पे दे सकता मैं इनको खून, इनको भी मेरी जरूरत पड़ सकती, समझा क्या? इसको लेके जा तू आए, अब मेरा सारा सिर ना ऐसा भन भन करने लग गया, तो बेटा देख रहा है ये क्या है, ये इंजेक्शन, इससे तेरा खून निकालूंगा मैं, तेरी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में जो गुद्दे है ना वो सारा गुद्दा ही काट लूंगा मैं, चल निकल। अरे क्या रुक के डॉक्टर के पास लाए हुए तूने, चल सरकारी में। हाँ जा, नहीं तो क्या झुटिया वादा कर रहा, इसको खून दिया उसको खून दिया, अरे इनकी नस तो वो बेटा तेरे डंड है मालूम है क्या, जा खा पियन सो जाना, आराम कर उसके बाद चिल्लाना। तुम डॉक्टर है क्यों? डॉक्टर है तुम? नहीं, कंडक्टर है कंडक्टर। चला टिकट घित लगा, चला भाई पूरा सड़का, चले टिकट घेतला का ए, चला पैसे ला। अरे बुरी रात के ये तेरे टंबे टंबे आंखें देखने के है क्या दे? डॉक्टर है मैं डॉक्टर, क्या हुआ रे? मजाक मत करो ए, देखो ना मेरा भाई कैसा कैसा कर रहा वहां पे, मेरा भाई डॉक्टर साहब कैसा कैसा कर रहा, देखो ना वहां पे, मेरा भाई कैसा कैसा कर रहा ना वहां पे। वो दो मत आए ना तुम, मेरे को हंसी आ जाएगी, हाँ बोल देता मैं एक तो, जा तेरे भाई बुला, क्या हुआ तो। ये बाप अरे बाप, ये कौन है विदान ताजिया? ये मेरा भाई है अस्पाक, इसको माया से हम अस्या दादा कहते। अस्या दादा? अरे ये तो मेरे को रस्या दादा दिख रहा है, बाल भी बढ़ा लिया भाई तूने, मार्केट में जाना मत, न तो है ना तेरे बाल काट के थैले सीधा लेंगे लोग। अस्या दादा क्या हुआ तुमको, कुछ कहते मुंह से क्या, बस खाली झटक दे बस, कुछ कहते मुंह से क्या होगा तुमको? क्या बे ये क्या टुकुर टुकुर देख रहा बस मेरे को खाली, कुछ कहे भी नहीं था ये तो, कहे क्या अस्सा दादा? अस्सा दादा कुछ बोलता उनको बताता, क्या होगा तेरे को बताता कुछ, तुम ही पूछो डॉक्टर साहब। बेटे क्या बाप का जाता उसमें, वाह बे खेड़े पाड़े के माइकल जैक्सन। अब बोल व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मैंने तुमको ऐसा क्या गलत सलत बोला क्या, तुम मेरे भाई जैसे है ना? चढ़ जाएंगे रे खात मत दे, बस ए मतलब मुझसे कौन सा जन्म का बदला लेगा तू? अरे ये बीमार नहीं है, इसने तो मेरे को लग रहा एक हाथ अंग्रेजी फौजी निकल लिए ले। ओ भाई ये फाइटिंग बीटिंग बता मत है मेरे को तू, वहाँ तेरे को बोल देता मैं मजबूती से डॉक्टर बन के बैठे ना, ढिसुम ढिसुम कद बत मेरे सामने, तेरे को मालूम नहीं है फिर, मैं भी बेटा ब्लैक बेल्ट है फिर, हाँ समझ ले। ए देख अब बोल क्या बोलता, मैं से बात कर।
thing. Yeah, yeah, sweet 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 thing. Yo, yo. Yo, yo, I'm on a trip. Yo, yo, I'm on a trip. Uh-huh. Yeah, sweet thing. Yeah, yeah, sweet thing. Yeah, yeah, sweet thing. Yeah, yeah, sweet thing. Yeah, yeah, sweet thing. वाह बे, कब कब? अच्छा मजे का कर, आज दिन भर और रात भर यही करेंगे अपन दोनों आए, ये प्लास्टिक के मुंह के ये बाबा, ये क्या लेके आया मेरे पास तूने? हाँ, ये मेरे को भी थका रहा, और खुद भी थका रहा, क्या करूँ मैं इसका ने? जुगे क्या दमोदम कर दिया रे? अरे मेरे बाप, ये मेरे वहां का केस नहीं है, ए तू भी सुन, और इसको कहा लेके जा मालूम है? ये दवा खाने का केस है ही नहीं है, इसको 40 गांव की दादागांव पे लेके जा। चार जुमे दाता जब ये सिकले से बांध के बैठेगा ना वहां, जब ये थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ ठीक। तो फिर क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? अरे मेरे को तो लग रहा इसने एक आध अंग्रेज भाई, वो भी नाचने वाली मालूम है क्या, जो कलम में नाचती ना, वो भी लिए ले इसको, अनेक फैटर भी लिए ले मालूम है क्या, जेटली क्या है मालूम नहीं, वो तो चले लेके जा इसको, जा आ गया लेके, मेरा भाई है अनु है, चले जा भाई। ओ भाई ददगांव पे जा, ददगांव पे मुजावर नहीं है, मैं डॉक्टर है। ओए तेरे काम तो सारे ऐसे रहते, इतना कदा ठंडी मट्टी का है? अरे मैं कब से हो रहा दवा खाने में लेडीज होना, लेडीज नर्स तो लाइन से बात कदे करना वे, मैं तो छोटा सा भाई नहीं है कुछ, डॉक्टर था मैं, और जब मेरे को ऐसा ऐसा मार दिया मत कर भैया, कहते मैं तो छोटा ऐसा मारता ठोकता क्या भाई? मुझे भी समझ रहा कि औरत होना, मगर मैंने बोल के आया, अभी तक आई नहीं वो, मैं क्या करूं, जाके देख, और एड़े जितनी जान है ना उतना काम कर देगा। तो औरत होना मेरा टेंशन नहीं समझ रहा तू, औरत होना बस, टेंशन नहीं समझता मैं तेरा। अरे एड़े फतरे, औरत खुद एक बहुत बड़ा टेंशन है, तेको मालूम है क्या? हाँ बात कर, माँ को छोड़ के औरत जा पूरी के पूरी टेंशन में, औरत बहन है वो भी टेंशन भाई को, बाप साला जब से मेरी बहन बजिया जवान हुई, जब से साला फुप्पू का बेटा नीचे रोज घर पे आ रहा, वो एक टेंशन, अगर औरत है जब भी टेंशन आदमी को, बेचारा काम करते रहेगा सोचते रहता साला क्या करना, घर को साला औरत अकेली है, पड़ोसी भी साला नीच है, कभी भी कूद के घर में आ जाएगा, क्या कर लेगा औरत, खुद एक टेंशन है बुद्धि घर के, तू क्या नहीं को सिखा रहा, चल तेरा तेरा काम कर जा कहीं, और तेको इतनी फिकत है ना, नर्स होना औरत होना आए? तो बेटा मैं आया ना अभी, तो मैंने पूछ के आया, मेरे को मिली नहीं वो, जाके देख तो आई के नहीं आई वो, ले गया उसको साथ में ला जा, जरा सी जान है, खाब देखो ऐसे बड़े बड़े देखता तू। क्या होगा, अरे ऐसा क्यों लोग होगा, अरे क्या हो गया बे, तम्बाकू खिलाएल गिरगिटाउन के जैसा काय को ताल फाड़ रहा, क्या हुआ क्या, किसने मारा क्या, तो सीट में छड़गिट मार दिया क्या इसके, अरे कोई एंटीना हलाओ तो दे, सदा आवाज ही नहीं आ रही। सबको कह दो ना चांद दिखा दे, चांद दिखा दे, चांद दिखा दे, चांद, जरा सामने तो आओ, चलिए
चुप चुप चलने में क्या राज है। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा कंप्यूटर मर जाएगा। हाँ नहीं तो क्या, हाथ बता दी मुंह बता दी आधा। अरे ताने बच्चे के जैसा मत छुपो, जैसा सा भच्च करके सामने आ जा। हाँ बोलो क्या बात है, क्या बात है? हेलो डॉक्टर। जेन्या ये क्या है, जेन्या ये क्या है, जेन्या बोलना क्या है ये? रोटियां पका था मेरे आंग पे, तू आए चप चप मार दो तो क्या दे? अभी देखा नहीं तूने पूरी को क्या दे? हाँ लड़की है वो, लाइन से खड़े रहे अदब से। जैनब बोलना उसको, मेरे को बाजार में मिलने का प्लीज बोलना, तेरे पाँव पर रहता है। जैनब प्लीज बोलना बाजार में मिलने का। रुक जा रुक जा, तड़फड़ मत तेरे, बाजार में मिलने का बोल रहा तू। हाँ बाजार में वैसे भी गन सड़ेल पपैये आए ले, तू का जा रहा तेरे को भी बेच डालेंगे लोग। चल बेटे तेरा काम कर वहां जाके, देखे मेरे से जलता ये जलता। बाजू में आओ ना, करीब करीब में आओ तो ज्यादा समझ में भी आएगा ना मेरे क्या हुआ क्या बात है। ज्यादा करीब में लो कुर्सी, इधर आओ। समझ में आ गई मेरे को, है ना? मैं भी खेलूंगा, मैं तो खेल भनाऊंगा, है ना? दो लोग अच्छे लोग बात कर देना, मुंगले तेरी तेरी बिल में जा चल। होता क्या? हाँ तो बोलो क्या तकलीफ है तुमको, बीमार है क्या तुम? असल में गांव की ना अभी हवा पानी सही नहीं आए। हाँ कोई भी बस अच्छा मजे का जा रहा, खट से बीमार पड़ जा रहा मालूम। अरे बहुत नवे नवे बीमारियां फैल गए गांव में। हाँ तुमको मालूम नहीं, तुमको क्या हुआ वैसा? नहीं 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 सर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने सुना है आपके यहाँ नर्स की जरूरत है, इसलिए मैं काम के लिए आई हूँ। नर्स? नर्स के वास्ते आए हुए? काम करेंगे तुम यहाँ पे? हैं? अरे तुम खाली यहाँ पे आए तो मेरे कंप्यूटर को संभालना मुश्किल हो गया। हैं? हम में लड़ाया हो दे तो मरीजों में क्या होगा? और नर्स है ना ऐसी नहीं आती, सफेद छक कपड़ों में आती। तुमने तो वो क्या पहन के आए? आए तुम्हारे छोटे भाई का टी शर्ट पहन के आ गए तुम। अरे मरीजों को तो जो मरीज 15 दिन में साला अच्छा होने वाला, 5 दिन में मर जाएगा तड़प के फलक से। वहीं लग जाओ तुम काम पे, मगर ज़्यादा से ये है ना तुम्हारा ज़्यादा ड्रेसिंग चलेगी नहीं है। पहले ही बोल दे सफ़ेद भग कपड़े, ये कपड़े भी दे और इनको काम भी समझा दे। हाँ मैं आ रहा एक पेशेंट देख के। कंप्यूटर नहीं है तुम समझ रहे हो, कंप्यूटर ये सब मेरा शौक है, ये शौक है, ये सब मैंने लगाया, ये सब पैसा मैंने लगाया। जाने कहने सिर्फ डिग्री अभी शौक ना अभी खाली करवा सकता। पैसे की जरूरत थोड़ी ना, तो अपने को बोलना। अरे 5-10 हज़ार तो अपने पास ऐसे पड़े रहते, आधी रात को दूंगा। हाँ और किचन का मुड़वा ना, अरे बालकनी 100 का मिलो या 200 का मिलो है ना कुल। बड़े मजे के बात चल रहे भेन भाई में, दोनों में आए
क्या बे हम कौन तेरा बाप का देगा कहते अरे अभी तो फर्सी साफ करो ना अभी तो आके बैठो मैं सारी सफाई कर लिया बोले हाँ बाथरूम साफ करा कहते चल जाके कर यहाँ पे इलू इलू करते मत बैठ अंदर जाके काम धंधा देख